दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ई केवाईसी करने के जो अंतिम तिथि है वो नज़दीक आ रही है, जो कि है 31 मई। 31 मई तक सभी किसान भाइयों को ई केवाईसी कंप्लीट करवानी है, जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है, यानी कि उनको सालाना 6000 रुपये, हर 4 महीने के बाद 2000 रुपये की जो किस्तें मिलती हैं, उन सभी लाभार्थियों को ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है। ई केवाईसी करवाने के लिए आप नज़दीकी सीएससी का सेंटर पर जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी अपनी ई केवाईसी है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप घर बैठे अपने मोबाइल से ई केवाईसी कंप्लीट किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसका पूरा लाइव प्रोसेस भी मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं और आपको पूरी तरह से समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको घर बैठे अपने मोबाइल से ई केवाईसी कंप्लीट करवानी है। दोस्तों, मोबाइल से ई केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर है वो लिंक होना जरूरी है, अन्यथा आप घर बैठे अपने मोबाइल से ई केवाईसी है जो कि नहीं कर पाएंगे। अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाना होगा और वहां जाके आपको अंगूठा लगा के अपनी ई केवाईसी है जो कि कंप्लीट करवानी होगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ। जो आपके आधार कार्ड के साथ अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो आप घर बैठे आसानी से ई केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ब्राउज़र ओपन करके पीएम किसान की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर ई केवाईसी का ऑप्शन मिल जाता है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ई केवाईसी के ऑप्शन में आप जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर फॉरवर्ड का आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम यहाँ पर किसान का जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर हम फिल कर देते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने आधार नंबर यहाँ फिल कर दिया। फिर आपको यहाँ पर सर्च वाला जो बटन नीचे दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा मोबाइल नंबर एंटर करने का। तो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक किए हुए हैं वो नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी पीएम किसान निधि योजना की वेबसाइट के उसके द्वारा 4 अंकों की आपको ओटीपी भेजी जाएगी। वो ओटीपी पीएम किसान निधि योजना की जो वेबसाइट है उसके द्वारा यहाँ पर भेजी जाती है, वो आपको 4 अंकों में मिलेगी। इसको आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, एक ओटीपी है जो कि यूआईडीआई की तरफ से आपको भेजी जाएगी, जो आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर यूआईडीआई की तरफ से 6 अंकों के एक ओटीपी आपको आधार की ओटीपी मिलेगी। वो ओटीपी आपको यहाँ पर नीचे डाल के इसको वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर इंतज़ार कर लेते हैं ओटीपी का और उसके बाद यहाँ पर हम ओटीपी फिल करके आगे का प्रोसेस आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, हमें ओटीपी यहाँ पर मिल चुके हैं। हम फटाफट से यहाँ पर ओटीपी दर्ज कर लेते हैं जो कि 6 अंकों की ओटीपी है, और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपका जो ई केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मैसेज मिल जाएगा ई केवाईसी सक्सेसफुली सबमिटेड। तो आप घर बैठे इस तरीके से आपकी पीएम किसान निधि योजना की ई केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं।